Hello everyone, how are you all? This is Arpit Rama. Welcome to my channel Arpit's Passion of Cooking. आज मैं आपके साथ एक मलाई करी की रेसिपी शेयर करूंगी। मसाला पेस्ट के लिए हमें चाहिए अदरक, हरी मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक दालचीनी और एक इलायची। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए एग्स। मैंने यहाँ पे 3 एग्स लिए बॉयल करके, 1 मीडियम साइज ऑनियन पेस्ट, मसाला पेस्ट, 1 कप ऑफ मिल्क एंड घी। पैन को गरम करके ऑयल ऐड करना है। एग्स को हमें फ्राई करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर एंड स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। बॉयल्ड एग को मैं बीच में से कट किए और दोनों साइड अच्छे से फ्राई करना है। पहले मैं एक साइड को अच्छे से फ्राई करूँगी, जिस साइड योक है उसके उल्टे साइड। एक साइड अच्छे से फ्राई करने के बाद एग्स को टर्न करना है। टर्न करने से पहले योक के ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है एंड झटपट बनके तैयार भी हो जाता है। ये रेसिपी बनाने के लिए बहुत ही कम मसाले की ज़रूरत होते हैं। देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट में ये रेसिपी बन रहा है। हम लोग डेली डेली एक टाइप की एग करी खा खा के बोर हो जाते हैं। कभी कभी स्वाद चेंज करने के लिए ऐसे ट्विस्ट भी लाना चाहिए। अब घर में ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना और कैसा लगा आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके बताना। एग हमारा फ्राई हो चुका है, मैं इसको साइड में रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड किए और ऑनियन पेस्ट को ऐड कर दिए। प्याज के पेस्ट को हमें अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन तक नहीं हो जाता है। अब मैं मसाला पेस्ट को ऐड कर रही हूँ। अदरक, हरी मिर्च, इलायची, धनिया पाउडर एंड दालचीनी का जो मसाला पेस्ट मैंने बनाई थी। मसाले को हमें अच्छे से स्टर करना है। अब मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि मसाला जल ना जाए। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर करना है। तब तक स्टर करते रहना है जब तक मसाले से ऑयल निकल के नहीं आता है। मसाले को अच्छे से भूनने के लिए मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ। मसाले को अच्छे से स्टर करना है। अब मैं स्वादानुसार नमक ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी में हल्दी पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फ्राई करते टाइम ही हल्दी पाउडर ऐड करना है। हमारा मसाला अच्छे से कुक्ड हो गया है क्योंकि मसाले से ऑयल निकल के आ रहे हैं। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा उसी स्टेज पे हमें मिल्क ऐड करना है। मिल्क ऐड करने के बाद सारे मसाले को हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा बॉयल होने के लिए रखना है। जब मिल्क एक बार बॉयल हो जाएगा उसके बाद हमें फ्राई किया हुआ एग को ऐड करना है। हमारा एग मलाई करी लगभग तैयार हो चुका है, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट बाकी है जो है घी। अब हमें घी को ऐड करना है। नाउ इट्स रेडी फॉर सर्व। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।